अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो, चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो। बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमाल जी रे आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पांव मंडिया, घर रो सारो पानी दूध बन गयो, चारों तरफ रोशनी हुई, आकाश गर्जना हुई और भगवान अजमाल जी रे जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा, खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा, खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजराती जियो, ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा पियो, गणी गणी खम्मा राजा राम सा पीर ले ओ, 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 ओ। अजमल घर अवतार लियो, भादरवारी दूजी जाननी अजमल घर अवतार लियो, कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो, कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो, दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरजी भरी लादा, बालिका नात्री लीला देखी राजस्थान जियो गुजराती जियो, खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा पीर, ओ गणी गणी खम्मा राजा राम सा पीर ले ओ, 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 ओ। पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुरा पगला मंडाया और दूजो परचो माता मेणा देने दियो, उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की
देखी पालनीए मेणा ते शंका लाई। मेणा के शंका लाई ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई। ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई। मारी शंका ने मिटाई मैया री शंका ने मेरी दूध उफण तो लियो तो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो पूजी रात जियो। ओ खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम का घनी घनी खम्मा राजा राम सा शेजमल गर्वतार की। अपनी मां मेणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो। मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो। रूपो दर्जी चोरी कर दी बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो। रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़द ले आयो झूठ बोलियो कररी चोरी टैक्स री चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो। बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह री कामना करे। माता मैणा देरे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो ब्याह री बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा देव जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ। घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता। दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी नाम तो नेतल। अटी ने जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी। एक दिन दलजी री लुगाई जार दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है मोटियार हो गई है जवान हो गई है कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो अपनी बेटी री सगाई करनी है थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो ढागरे ने कनिया जन्मिए। हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विधाता दल जी के दो पुत्र भए
कन्या की सुजा हो जिमल घर अवतार सुजर लिखो विदाता प्राणपति अर्जी सुनो नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी भरे साथ में तुम्हारो बहु बहु रो रिश्तो है बहु बहु रो संबंध है और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया ब्राह्मण देवता ने बुलाया सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी बोले रोनीचा गावरा ठाकुर साहब है अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोनीचे आ गया जार माता मीणा देवी जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सु आयो हूं अमरकोट रा सरदार अमरकोट रे सिरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयो रे नाले रो अनादर नहीं करनो बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं और 1,25,000 री मोहरा दे और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली रामदेव जी महाराज रे ब्याव नहीं करनो रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा दे जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा खे मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मैणा दे कह दियो कि वाप गांव रे बाहर पधारो बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयो में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण की ओडा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मैणा दे जी ने माफी मांगी बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोकरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं ये वास्ते तू कहवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई माता मीणा दे उदास और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कई बात है तू उदास क्यों थाने किन बात री चिंता है। तब माता मीणा दे रे आंखों में आंसू आ गया बोली बेटा हरिला छा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो
लाचा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाचा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, मारी सुगना ने बेगी बेगी आवो जियो खम्मा 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 रे कवर।